मेरा नाम सलीम पाशा है। पब्लिक मेरे को सलीम लंगड़ा बोलती है, बरोबर बोलती है। काय को बॉलीवुड थिएटर और टेलीविजन, इन सब से हम मुतासिर हुए बिना नहीं रह सकते। तमाम अदाकारों की तरह पवन मल्होत्रा ने जीना बजीना तरक्की की मंजिलें हासिल की हैं। पवन मल्होत्रा वो अदाकार जो किसी के तारुफ का मोहताज नहीं है। इस सीधे साधे से चेहरे वाले अदाकार की अदाकारी का सफर थिएटर से शुरू हुआ और टेलीविजन की दुनिया से होता हुआ बड़े पर्दे तक पहुंचा। 57 साल के हो चुके इस अदाकार को इंडस्ट्री में लगभग 3 दहाई हो चुकी हैं। इस पूरे सफर में पवन मल्होत्रा ने जाने माने हिदायतकारों अदाकारों के साथ काम किया और अलग अलग किस्म के किरदार भी अदा किए। दुनिया सारी आड़े टेढ़े हैं सबके रूप, हाँ चोर बाजार तो है ये दुनिया सारी आड़े टेढ़े हैं सबके रूप। अपने इसी तजुर्बे की वजह से आज पवन मल्होत्रा हर तरह के किरदार निभा रहे हैं, चाहे वो आर्ट फिल्म हो या कमर्शियल। वैसे तो पवन मल्होत्रा की अदाकारी का सफर 1984-85 के आसपास से ही शुरू हो गया था, मगर सही मायने में वो लोगों की तवज्जो का मरकज बनने में तब कामयाब हुए जब दूरदर्शन के लिए बनने वाले सीरियल नुक्कड़ में उन्होंने हरी का किरदार निभाया, जिसे लोगों ने दिल खोल कर सराहा। आइए मुखातिब होते हैं पवन मल्होत्रा से। मैंने पहला कैमरा दूरदर्शन में देखा और पहली फीचर फिल्म जो मैंने फिल्म की शूट देखी वो गांधी थी, पर कैमरा हमने फेज किया दूरदर्शन में और हमारे दोस्त विनोद दुआ दूरदर्शन में उन दिनों में काम किया करते थे। पर सबसे पहला मैंने बार अगर दूरदर्शन में काम किया तो नाजिस हुसैनी उन दिनों साइंस प्रोग्राम करती थी, तो वो लाई डिटेक्टर पे एक छोटी सी प्रोग्राम कर रही थी, तो उसमें मैंने एक डॉक्टर ड्रामा से उन्होंने क्रिएट किया था वो किया। फिर विनोद दुआ कुछ प्रोग्राम्स करते थे जिसमें हम लोग स्किट्स वगैरह करते थे, फिर उसके बाद कुछ नाटक किए दूरदर्शन पे हमने। सो शुरुआत दूरदर्शन की थी और आई ऑलवेज बी थैंकफुल टू रुचिका थिएटर ग्रुप, दूरदर्शन, नाजिस हुसैनी, विनोद दुआ, ये सब लोग कि आप जब शुरुआत करते हैं और उस वक्त जो लोग आप में विश्वास दिखाते हैं और आप सीखते चले जाते हैं और अभी भी सीख रहे हैं, लगातार सीखते रहेंगे, जिस दिन सीखना बंद कर देंगे उस दिन दुकान बंद हो जाएगी। धीरे धीरे उनके हुनर ने लोगों के दिलों में जगह बनानी शुरू की और वो बड़े बड़े हिदायतकारों की पसंद बन गए और इसी सिलसिलेवार पसंद ने उन्हें बुद्धदेव दास गुप्ता की हिदायत में नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म बाग बहादुर में अहम किरदार निभाने का मौका मिला। पवन जब आया था हमारे पास सेट को लेके इस रोल के लिए, तब और बहुत सारे एक्टर्स थे इस रोल करने के लिए, लेकिन हम पवन को ही चुना था। एंड ही रियली डिड वंडरफुल, सच ए ब्रिलियंट एक्टिंग ही डिड। And don't you forget that was his first, almost first appearance. Before that, he did something with and I couldn't believe that there is an actor who can do so much for a role, can suffer so much. I did everything. He's a greatest actor that I must see. And I remember wherever the film was shown, all over the world. It started with Cannes Film Festival,
Even their everybody was praising his acting. They couldn't believe that someone can do this kind of dancing. Someone can do this kind of role. So I always think Pawan Malhotra is a very, very talented actor of our country. You must be very proud of him. The only thing that I regret at times that I couldn't do more films with him. But definitely I have in my mind to do another film with him. Pawan. And another thing that I must see that after watching his acting performance in this film, so many actors, they're so inspired. They came and told me, watching this film, watching Pawan Malhotra's acting, they felt very, very inspired. So this is something very unique. And I'm very, very happy that in Delhi, this retrospective has been happening at IIC. And this is respect for our work, and this should always happen. वैसे तो पवन मल्होत्रा ने कई तरह के किरदार अदा किए हैं, मगर उनके निभाए गए किरदारों में कुछ किरदार ऐसे हैं जो आज भी लोगों के जहन में तरोताजा हैं, जैसे सलीम लंगड़े पर मतरो में माफिया का किरदार, ब्लैक फ्राइडे में टाइगर मेमन, डॉन 2 में नारंग या भाग मिल्खा भाग में एक कोच की भूमिका, और इसी तरह के न जाने कितने किरदार जिन्हें पवन मल्होत्रा ने अपनी अदाकारी से रूह बख्शी। इस अदाकार की अदाकारी को सराहते हुए हाल ही में दिल्ली के IICC में एक तकरीब का इनाकाद किया गया, जिसका उन्वान था अनमास्किंग पवन। इस मौके के तहत हमने टीवी और फिल्मी दुनिया के बेहतरीन अदाकार के साथ कुछ नए पुराने तजुर्बात ताज़ा किए। मैंने पहली जो फिल्म की सलीम लंगड़े पर मत रो, वो NFDC की फिल्म थी, और हम फिल्म शूटिंग कर चुके थे 89 के फर्स्ट हाफ में। हमने सलीम लंगड़े पर मत रो की शूटिंग कंप्लीट कर ली थी, पोस्ट प्रोडक्शन में थी। मेरी एक फिल्म मैगजीन के कवर पर फ़ोटो थी, और बुद्धदा ने वो कैलकटा में देखी कि मुझे तुम्हारी आँखें बहुत पसंद आई, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा। और उन्होंने अपनी पत्नी और भाई को दिखाया तो उन्होंने बोला ये नुक्कड़ में हरी का रोल करता था, साइकिल वाले का। और फिर वो बॉम्बे मुझसे मिलने आए, और उस दौरान वो कुछ और एक्टर्स से भी मिले, ऐसा नहीं कि नहीं मिले, पर हाना हाना होते फिल्म मैंने की, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बाग बहादुर की। और ये भी सच है कि जब पहली बार वो आए थे मुझसे मिलने, तो मैं एक टेलीफिल्म की शूट कर रहा था, वहाँ पर आए थे सेट पर, और वहीं खड़े होकर कोने में जब उन्होंने मुझे फिल्म सुनाई, तो मैंने कहानी सुनते सुनते अपने आप से कहा कि पवन मल्होत्रा ये फिल्म तो करनी है। और चांस की बात थी कि जो जो बातें स्क्रिप्ट सुनने के बाद या जो उन्होंने समझाया कैसे करना चाह रहे हैं, मैं कह रहा था कि हम अगर ऐसा कर पाएँ या ऐसा कर पाएँ, तो एवरीथिंग वॉज फॉलोइंग इन प्लेस, है ना। और वो कह रहे थे कि नहीं, हम भी ऐसे ही प्लान कर रहे हैं, और ये सब हो चुका है, छाव होगा और टीचर होगा और इस तरह से। सो व्हेन डेस्टिनी प्लेज द रोल, व्हेन थिंग्स आर गुड, एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस, और कोलाज अपने आप बनता चला जाता है। आप एक कहानी सुना रहे हैं, और मैं एज एन एक्टर हर तरह की फिल्म, हर तरह की कहानी का हिस्सा होना चाहूँगा। अगर मैं नहीं कर पाता हूँ तो फिर मैं कंप्लीट एक्टर नहीं हूँ। मैं जैसे कहा कि मेरे कोई फिक्स मैनरिज्म नहीं है कि मैं ऐसे ही चलता हूँ, ऐसी मेरी स्पीच है। मेरी तो बॉडी लैंग्वेज हर रोल के साथ बदलती है। अगर 5 बार अंडरवर्ल्ड किया है तो पर वो जैसा कहानी में है, जिस आदमी की कहानी कह रहे हैं, क्योंकि देखने वालों को भी ये समझना होगा कि सलीम लंगड़े में और ब्लैक फ्राइडे के टाइगर मेमन में और डॉन के नारंग में, इन सब में फ़र्क है, या ब्लैक फ्राइडे के मामू में, ये सब अंडरवर्ल्ड के लोग हैं लेकिन अलग लोग हैं। तो वो अगर एक्टर नहीं समझता, मेरा कोई फिक्स कुछ नहीं है। मैं किसी भी फिल्म के साथ एक बॉडी लैंग्वेज या बोलने का ढंग या मैनरिज्म्स आते हैं, और फिर मैं उस फिल्म के साथ उसको छोड़ देता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इस तकरीब में तमाम माहिरीन और आवाम की शमूलियत काबिले जिक्र रही। पवन मल्होत्रा के मुतालिक उन्होंने अपना इजहार ख्याल पेश किया। मुंबई के पॉपुलर सिनेमा में पवन ने जिस तरह के किरदार अदा किए वो तो इम्पोर्टेंट हैं ही,
मगर उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो किरदार हैं जो उन्होंने बम्बई के अनपॉपुलर सिनेमा में निभाए हैं, अदा किए हैं। वो फिर चाहे सईद मिर्ज़ा साहब की फिल्में हों, वो फिर चाहे बुद्धदेव दास गुप्ता साहब की फिल्में हों, वो फिर चाहे ब्रदर्स इन ट्रबल नाम की जो एक ऐसी फिल्म हो जो हिंदुस्तान में रिलीज़ ही नहीं हुई लेकिन जिसने इंटरनेशनल मार्केट में इतना बड़ा नाम कमाया, वो चाहे चिल्ड्रन इन वॉर जैसी फिल्म हो जो बांग्लादेश की वॉर पर आधारित है, वो चाहे फ़कीर जैसी एक छोटी सी फिल्म हो गौतम घोष की बनाई हुई 15 मिनट की जिसको किसी ने देखा ही नहीं, हालांकि नेशनल अवार्ड्स के लिए पवन को जरूर मिला अभिनेता के रूप में। तो पवन का काम पॉपुलर सिनेमा में तो है ही, जिसको हम लोग जानते हैं, चाहे वो जब भी मेट हो, चाहे वो भाग मिल्खा भाग हो, चाहे वो दिल्ली सिक्स हो, चाहे वो परदेश हो, तमाम सी फिल्में। लेकिन पवन का काम दूसरे किस्म के सिनेमा में जो रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और मैं यहाँ पे आज दिल्ली में इस अनमास्किंग कॉन में जो मौजूद हूँ पवन को बधाई देने के लिए, वो इसलिए नहीं कि इस 25-30 साल के अरसे में मैंने पवन के साथ काम किया है बहुत ज़्यादा, तकरीबन मैंने पवन के साथ काम नहीं ही किया है इस 30 वर्षों में, लेकिन फिर भी आज मैं यहाँ बम्बई से ख़ास करके इसलिए आया हूँ कि पवन का मेरा रिश्ता एक बिल्कुल अलग किस्म का है। जिस रोज़ से मैं बम्बई शिफ्ट हुआ उस रोज़ से मेरा घर और पवन का घर बिल्कुल आपस में जुड़े हुए एक दूसरे से रहे हैं। तो मेरा और पवन का साथ जो है वो चोरी दामन का साथ है, उसी तरह जैसे चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं वैसे ही मेरा और पवन का मोहल्ले का साथ है, मोहल्ले की दोस्ती है। हमारी और पवन की दोस्ती जो है वो फिल्मी लेखक और फिल्मी एक्टर से ज़्यादा एक दूसरे से चीनी मांगने, एक दूसरे से दही जामन के लिए मांगने, एक दूसरे से बर्फ़ ले जाने के लिए, एक दूसरे से तेरे पास आधी दारू तो नहीं पड़ी है ये कहने वाली दोस्ती रही है। और उसमें पवन की फराग दली, पवन की दरिया दली, और पवन को जिस तरह से हमने मोहल्ले में देखा है कि किसी की भी मुसीबत पे, किसी भी के भी काम पे सबसे ज़्यादा खड़े रहने वाला आदमी, इतना कंपैशनेट आदमी, इतना दिल वाला आदमी आज की तारीख में बम्बई के सिनेमा में मिलना बहुत मुश्किल होता है। और आज से 30 साल पहले पवन जब एक असिस्टेंट के रूप में गए थे तो भी जो खुलूस, जो दरिया दली उनमें थी, वही खुलूस, वही दरिया दली आज 3 साल बाद इतना स्टार बड़ा होने के बाद भी, कि आज इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में उनका रिट्रोस्पेक्टिव हो रहा है 6 दिनों का, आज बड़े से बड़े डायरेक्टर यहाँ मौजूद हैं, चाहे राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी हों, चाहे वो खालिद मोहम्मद साहब हों या दूसरे तमाम लोग हों, तो ऐसे लोगों में के साथ में यहाँ होने पर और रिट्रोस्पेक्टिव होने के बाद भी पवन वही लड़का है जिसको मैं 30 साल पहले जाना करता था। और ये कुव्वत बहुत कम लोगों में होती है कि वो ज़माना बदल जाने के बाद भी वही रहें, ना बदले रहें, उनमें वही प्यार, वही खुलूस, वही मोहब्बत, वही चीज़ें बरकरार रहें अपने दोस्तों के लिए, दुनिया के लिए। और इसके लिए मैं पवन का बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। यही कहूँगा कि पवन तुम बदलना मत, तुम ऐसे ही रहना, बहुत सीढ़ियाँ चढ़ना मगर फिर भी ज़मीन पर रहना। पवन मल्होत्रा को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, मैंने उनकी ग्रोथ देखी है समांतर सिनेमा में भी और कमर्शियल सिनेमा में भी। पवन इज़ वेरी वर्सेटाइल, पर मुझे लगता है कि उसको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए थी वो बराबर मिली नहीं है, और इस रेट्रोस्पेक्टिव से पता चलेगा हमें कि वो कितने पावरफुल एक्टर हैं और उनके साथ क्या ज्यादती हुई है कमर्शियल सिनेमा में। और मुझे लगता है कि उन्होंने थोड़ी कमर्शियल सिनेमा की जैसे परदेश और भाग मिल्खा वगैरह, पर उनको ज़्यादा करनी चाहिए थी, पर मुझे लगता है कि ही इज़ अ वेरी अनकॉम्प्रोमाइजिंग एक्टर तो इसलिए शायद वहाँ इतना नहीं कर पाए। पर जैसे बाग बहादुर है, दैट्स अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, ब्रदर्स इन ट्रबल फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, उनमें मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि थोड़ा ज़िद्दी है, तो कभी कभी तो एक्टर को फिट होने में कमर्शियल सिनेमा में शायद उन्होंने चांसेस गवा दिए, पर उन्होंने अपना इम्पैक्ट खुद बनाया है और बहुत कहते हैं जैसे इंडिपेंडेंट माइंडेड है और अ वेरी फ्लेक्सिबल एक्टर, वर्सेटाइल एक्टर। मैं पवन को सन 1974 से जानता हूँ, हम कॉलेज में इकट्ठे थे, ये मेरा जूनियर था, और हम लोगों ने BITS पिलानी हो, IIT बॉम्बे का मूड इंडिगो, तरह तरह के फेस्टिवल्स इकट्ठे अटेंड किए थे। पवन तब थिएटर करते थे और हमने मिलकर थिएटर भी किया काफ़ी साल। पवन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो बहुत ही अंडरस्टेटेड है, ख़ुद को कभी प्रमोट नहीं करता और बहुत ही विनम्र और इतना टैलेंटेड है और ख़ुद को इतना पीछे रखता है कि जो उसकी जगह है, जो ड्यू है उसका,
जो स्थान उसको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था वो नहीं मिला। मैं ज़ाती तौर पर पवन को नसरुद्दीन शाह और ओमपुरी से आगे रखता हूँ। मैंने इनकी सारी फिल्में देखी हैं और जैसे मैंने कहा मेरे पुराने दोस्त हैं। ये जो हो रहा है इनका रेट्रोस्पेक्टिव ये बहुत पहले होना चाहिए था, अच्छी बात है आज हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पवन को आने वाले महीनों में सालों में और ज़्यादा तरक्की मिले, लोग ज़्यादा पहचानें, जो सिर्फ उनको जब वी मेट और भाग मिल्का भाग से पहचानते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि पवन की ये तमाम फिल्में भी देखें, बाग बहादुर और जो नई फिल्म उनकी आ रही है जन्म तुम्हारे लेके, इस तरह की फिल्में भी देखें, तब पता चलेगा कि पवन मल्होत्रा किस किमाश का किस मयार का एक्टर है। मेरा नाम शिवा कुमार है और पवन जो है मेरे अराउंड 34 ईयर्स ओल्ड हम लोग फ्रेंड्स हैं। मेरे कई टाइम हम लोग साथ में ऊंच नीच सब हमने देखी है, बट अगर आप लोगों ने जो भी फिल्म देखी है, बट अगर आपने ऐ जन्म तुम्हारे लेखे देख ली उसके बाद आई होप देर इज़ नो वर्ड्स फॉर हिम, आई एम ए डाई हार्ट फैन फॉर हिम बिकॉज ऑफ दिस फिल्म। मेरे लिए जो पवन का जो ने जो अपने लिए जो जगह बनाई है इस सिनेमा वर्ल्ड में, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में बनाई है, इंडियन सिनेमा में बनाई है, हिंदुस्तान में बनाई है, उन्होंने उनका जो नाम है पूरी वर्ल्ड में है और उनकी जो फिल्में हैं उनके जो कैरेक्टर हैं, तो अब दुनिया का अच्छे से अच्छा एक्टर ले लें तो उसमें उस ग्रुप में को बिलोंग करते हैं, उस टीम को बिलोंग करते हैं पवन मल्होत्रा। कि अगर आप कोई वर्ल्ड 11 टीम बनाएं अगर क्रिकेटर्स की, तो उसमें मतलब सोवर्स भी होंगे और उसमें बॉथम भी होंगे और कपिल देव भी होंगे और सचिन भी होंगे और गिलक्रिस्ट भी होंगे, ऐसे ही पवन मल्होत्रा वर्ल्ड 11 को बिलोंग करते हैं, वो सिर्फ हमारे देश को बिलोंग नहीं करते। आज बड़ा अच्छा लग रहा है थिएटर में, काफ़ी बहुत यंगस्टर्स आए हैं जिनको ये चांस मिलता नहीं था बाग बहादुर देखने का, सलीम लंगड़े पे मत रो मत देखने का, ब्रदर्स इन ट्रबल, तो खैर इंडिया में ही लोगों को चांस नहीं मिला, तो ऐसे चांस मिलता है और इन्हीं चीज़ों से कुछ क्या होता है, कुछ फिल्में होती हैं और फिर कुछ फिल्में होती हैं जो आती हैं और चले जाती हैं और कुछ होती हैं जो हमेशा के लिए रह जाती हैं। तो आज से आज 25 साल हो गए सलीम लंगड़े पे मत रो, बट आज भी कभी टीवी पे आती है उसका डीवीडी जब देखते हैं तो लगता है वाह क्या काम हुआ है। हम तो उसको कोई नहीं सोचता कि वो कितनी बड़ी हिट थी या फ्लॉप थी उस ज़माने में क्या था। और तो ये जिसको एवरग्रीन सिनेमा है उस पे उसको पवन मल्होत्रा बिलोंग करते हैं, जो एक वर्ल्ड सिनेमा है आउट ऑफ इंडिया उसको पवन मल्होत्रा बिलोंग करते हैं, और वो आसान काम नहीं है क्योंकि जैसे कि आप कह ही रहे थे कि हमारी कमर्शियल रिक्वायरमेंट्स को लेते हुए भी अपने लिए ऐसी जगह बनाना मतलब बहुत बड़ी बात है। पवन मल्होत्रा मेरे लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टार्स ऑफ हिंदी सिनेमा है। मुझे लगता है कि कई स्पोकन स्टार्स होते हैं, कई अनस्पोकन होते हैं, पवन इज़ अ मिक्स बिटवीन बोथ। ये इतने इनके स्टर्लिंग टेलिंग रोल्स हैं कि मुझे कई बार लगता है कि और कोई शायद ये निभा ही ना पाए ये वाला किरदार। मुझे इनका काम और ये एज अ ह्यूमन बीइंग, आई थिंक दैट ही इज सच अ ग्रेट गाय, सच अ ग्रेट एक्टर, एंड आई विश हिम एवरी सक्सेस। आई थिंक दैट दिस लिटिल, आई कॉल इट लाइक अ लिटिल रेट्रोस्पेक्टिव, और परहैप्स जैसे कि मिड करियर में इनका एक कोई रेट्रोस्पेक्टिव सा हो रहा है, और बहुत फाइन फिल्में बहुत फाइन डायरेक्टर्स के साथ। सो बहुत खुशी हुई यहाँ पे आकर मुझे और टू इसमें पार्टिसिपेट कर इस इवेंट में। मेरा नाम सहर जमा है, मैं पवन की दोस्त भी हूँ एंड बहुत मुझे शौक़ है उनके परफॉर्मेंसेस का, जो जिस मुख्तलिफ टाइप की फिल्म्स उन्होंने की हैं कई सालों से देखती आ रही हूँ। अगर उनके ख़ास परफॉर्मेंसेस के बारे में कहा जाए, वो इस तरीके के एक्टर हैं कि उनके ज़्यादातर फिल्म्स ही में उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत बहुत डीप, बहुत गहरे तौर पे वो एक कैरेक्टर को समझते हैं। बाग बहादुर एक वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स हैं पवन की, बिकॉज उस तरीके में जिस तरीके का उनका बॉडी लैंग्वेज है, फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, और जिस तरीके का किरदार उन्होंने निभाया है बाग बहादुर में, वो मुझे बहुत पसंद है। आइए आपको दिखाते हैं पवन मल्होत्रा की फिल्म बाग बहादुर की एक झलक।
छोड़ दीजिए हमारी, छोड़ दीजिए हमारे, हम कहीं अगले बार पता करेंगे ताला हराम। Bazaar!